वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी में पढ़ाने वाले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बाकी भी एलएलबी क्लासेस के वीडियो की तरह ये भी वीडियो बहुत शॉर्ट में आपके सिलेबस की जानकारी देने वाला और इस पेपर में क्या क्या है ये जानकारी देने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह से स्टडी कर लेना चाहिए, नोट्स से स्टडी कर लेना चाहिए। अब सबसे पहले बात होती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी IPR जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं उसका कंसेप्ट क्या है और ये है क्या। जैसे आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी एक इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे लैंड गुड्स ये वगैरह जो है कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी जो सामने हमें दिखाई देती है जो है जिसमें कोई चीज़ दिखाई है। अब इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी जो दिखाई तो नहीं देती सीधे लेकिन वो प्रॉपर्टी होती है, उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसे उसमें अब राइट मिलते हैं, उसमें लाइबिलिटीज़ होती हैं तो वो है। जैसे लीज़ है, पेटेंट्स है, सर्विट्यूट्स है, ईजमेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी। अब ये जो है इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी जो है अमूर्त संपत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं उसका जो एक पार्ट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अपार्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम्स आउट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट विच इज़ इंटेंगिबल एंड बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। हाउएवर इट इज़ ए एट पार विद कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। मतलब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी जैसी तो है लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए मैटर ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स है। इन इस कैन बी डिस्क्राइब एज ए प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ कैपेबल टू सेल, कैपेबल ऑफ सेल, परचेज, मॉर्गेज एंड लाइसेंस एंड असाइनमेंट एटसेट्रा। इसलिए ये प्रॉपर्टी है। वैसे प्रॉपर्टी देखने में प्रॉपर्टी ज़मीन की तरह गुड्स की तरह प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी इसलिए है कि इसे बेचा जा सकता है, इसे खरीदा जा सकता है, इसे मॉर्गेज किया जा सकता है, इसके लाइसेंस दिया जा सकता है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो है कंसिस्टिंग ऑफ पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क जो है ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे राइट ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के जो राइट हैं, कोई पेंटर है, म्यूजिशियन है, फोटोग्राफर है, आथर है, तो इसके जो राइट हैं वो IPR में राइट ऑफ आर्टिस्ट इसके फॉर्म हुए। दूसरा राइट ऑफ इन्वेंटर्स के इन्वेंट किया है कोई तो इसमें पेटेंट जो है वो इन्वेंशन के लिए होता है। ठीक है, राइट ऑफ ट्रेडर्स, अब ट्रेडर्स के लिए ट्रेडमार्क होता है वो IPR में आता है। राइट ऑफ मैन्युफैक्चरर, राइट ऑफ मैन्युफैक्चरर के लिए जो प्रोडक्शन के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसके रिलेशन में प्रोडक्शन और प्रोड्यूस करने का जो राइट है वो मैन्युफैक्चरर का राइट होता है जो IPR से रिलेट होता है। राइट ऑफ क्रिएशन, जो राइट ऑफ क्रिएशन इज जो है इंटेग्रेटेड सर्किट्स में राइट होता है। राइट ऑफ परफॉर्मेंस एटसेट्रा, तो जो है कि परफॉर्मेंस प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्रामर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये राइट होता है। राइट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का राइट जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो करते हैं उनका जो राइट होता है कंपाइल डेटा करने का। राइट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट का राइट होता है लेआउट डिज़ाइन एंड इंटेग्रेटेड सर्किट्स के पेटेंट कराने का। राइट ऑफ डिज़ाइनर्स, IPR इसमें इंक्लूड होता है राइट ऑफ डिज़ाइनर डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन के लिए। राइट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन होता है कि जो अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है के जो इंफॉर्मेशन है वो रखने का। एक राइट ऑफ ब्रीडर्स होता है, इंक्लूडिंग राइट ऑफ ब्रीडर्स इज बायोटेक्नोलॉजिकल फॉर ए पेटेंट इन ए न्यू प्लांट वैराइटीज को ग्राम करने का, तो वो जो है ब्रीडर्स का होता है कि नई कोई जो है प्रजाति जो है उगा रहे हैं वो, तो उसका जो है वो राइट ऑफ ब्रीडर्स का होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इस IPR लॉज का, IPR लॉज का वो ऑब्जेक्ट है कि जो
इसे जो है अगर हमारे पास IPR लाज नहीं होगा तो कोई इसमें अब इंटरेस्ट नहीं लेगा, बढ़ावा नहीं दिएगा कोई चीज़ नई चीज़ करने को, क्योंकि उसे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसे फ़ायदे को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके इनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और इन्वेंटर्स की क्रिएचर्स की परफॉर्मेंस के लिए जो है ह्यूमन इंटेलेक्चुअल को जो है वो करने की ज़रूरत है, संरक्षित करने की ज़रूरत है, और इसमें जो है उन्हें राइट देने की ज़रूरत है, गारंटी देने की ज़रूरत है कि इसका लाभ उन्हें मिलेगा। लीगल डिजाइन क्या है कि भाई इसमें राइट एंड ड्यूटीज़ है जो कोरिलेट है। अब इसके लिए भारत में कौन कौन से कानून हैं कि इंडिया में जो है IPR को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो क्या कौन कौन से राइट हैं। एक है द कॉपीराइट एक्ट 1957, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम है, तो सभी जानते हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम है 1999 का, उसके बाद पेटेंट एक्ट है 1970 का, डिज़ाइन एक्ट है 2000 का, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 का, और लॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो जो है इंडिया में वो यूज़ होंगे जो है वो प्रोटेक्टेड इंडिया में जो प्रोटेक्ट वाले जो है जो IPR यूज़ होंगे उसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जिसमें जो बाहर वाले लोग हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन बिना अनुमति के वो नहीं कर सकते हैं। तो द सेमी कंडक्टर इंटेग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड प्रोसीजर रूल है एक वो 2003 का। तो ये जो हमारा एक लॉज हैं ये सब ये जो इन लॉज से जो है वो गवर्न हो। अब हम बात करते हैं पेटेंट की कि पेटेंट क्या है और पेटेंट कैसे प्राप्त होता है और पेटेंट में क्या ऑब्लिगेशन रहते हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन। पेटेंट से पहले समझना इन्वेंशन को ज़रूरी है। पेटेंट एक्ट की सेक्शन 21J में इन्वेंशन की डेफिनेशन दी गई है। तो इन्वेंशन मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। भी कोई नई चीज़ है, इन्वेंशन मीन्स न्यू एंड यूजफुल आर्ट प्रोसेस मेथड और मैनर है मैन्युफैक्चर का। मशीन अपार्टस और अदर आर्टिकल्स हो सकता है, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई मैन्युफैक्चर। अब इसमें इन्वेंशन में क्या क्या इंक्लूड है कि एनी रिवार्ड यूजफुल प्रोडक्ट और प्रोसेस, एनी न्यू एंड यूजफुल इम्प्रूवमेंट ऑफ दैम एलेज इन्वेंशन। ठीक है, अब इन्वेंशन जो है उसका पेटेंट कराया जाता है। अब इसमें बहुत सारे केसेस आए, तो इन्वेंशन क्या क्या नहीं है सेक्शन 3 से 5 के बीच में पेटेंट एक्ट 1970 में ये लिखा हुआ है कि ये इन्वेंशन नहीं माने जाए। पहली बात, फ्री विलस इन्वेंशन के सब धोखा से गलती से भ्रामक तरीके से किया गया। यूज़ ऑफ इन्वेंशन इफ अनलॉफुल, अगर ऐसा कोई इन्वेंशन है जिसका यूज़ अनलॉफुल है तो भी उसे इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। प्रिंसिपल डिवाइड ऑफ मैथड के डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ फार्मूला ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज जो है वो इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी। साइंटिफिक प्रिंसिपल और फार्मूलाज नहीं माना जाएगा, कोई नई चीज़ बनानी। हाउएवर प्रिंसिपल इज कपल्ड विद द मेथड ऑफ कैरिंग द प्रिंसिपल इनटू इफेक्ट ऑफ पेंटेबल जो है पेटेंटेबल हो सकता है। मेयर डिस्कवरी ऑफ नॉन कंट्रीवेंस भी जो है नहीं माना जाएगा। कोई चीज़ है और खाली आपने डिस्कवर कर ली, वो इन्वेंशन नहीं है। डिस्कवर हो सकता है ये है, लेकिन आपको नई चीज़ बनानी है एक तरह से। मेयर एडमिक्सचर, दो दो चीज़ों का मिक्सचर करके आपने कहा साहब ये नई चीज़ बन गई, तो भी ये इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट, आपने रीअरेंजमेंट कर दिया आगे से पीछे, पीछे से इसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कर साहब ये हो गया इन्वेंशन, करे ये भी इन्वेंशन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर मेथड भी इन्वेंशन नहीं हुआ कि सब भाई आपने कोई नया मेथड निकाल लिया एग्रीकल्चर का कि भाई नहीं आप तो पानी में उगाएंगे ये चीज़, तो अब जो है अब कोकोपीट में उगाएंगे, जो है सादी मिट्टी में नहीं उगा रहे, अब रेते वाली मिट्टी में उगाएंगे, तो ये एग्रीकल्चर मेथड जो है वो इन्वेंशन नहीं हो सकता। मेडिसिनल प्रोसेस जो है वो भी
वो नहीं हो सकता, यानी मेडिसिनल सर्जिकल क्यूरेटिव जो प्रोसेस है वो भी इन्वेंशन नहीं हो सकता। प्लांट एंड एनिमल्स जो है माइक्रो जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन सीड्स वेराइटीज एंड स्पाइसेस जो है ये जो है वो इन्वेंटेशन टेबल पेटेंट हो सकता है, इन्वेंशन हो सकता है। मैथमेटिकल बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम, जो खाली मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर से जो है एल्गोरियम मेथड इज इन्वेंशन नहीं हो सकता। लिटरेरी वर्क एट्सेट्रा जो है लिटरेरी वर्क भी जो है इन्वेंशन नहीं होता, वो वेरी कॉपीराइटेड हो जाए। मेयर स्कीम और मेथड भी नहीं हो सकता। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं होता। और ट्रोपोग्राफी और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ये सब इन्वेंशन में नहीं माने जा सकते। अब इन्वेंशन अब इन्वेंशन पेटेंट की प्रोसेस क्या होती है ग्रांट की, तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन देंगे। कंट्रोलर को और पेटेंट एप्लीकेशन देंगे कंट्रोलर को, और कंट्रोलर को जो है उस एप्लीकेशन में आप जो है जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और फाइल करके जो है वो एग्ज़ाम करेगा इंडियन पेटेंट ऑफिस, और उसके 48 महीने के अंदर जो है वो आपको उसका एप्लीकेशन पे जो है 48 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कर सकता है वो, और उसके बाद जो है वो आपको पेटेंट रजिस्टर्ड करने या ना करने का ऑर्डर ले सकता है। तो इसमें जो प्रोसेस है एप्लीकेशन ऑफ फॉर पेटेंट है सेक्शन 6 से 11 तक, ये सब एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ दी जा सकती है, स्पेसिफिकेशन आप देंगे कि क्या 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 होगा, और जो इसमें पब्लिकेशन भी किया जा सकता जाता है, पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा। जो एग्जाम पब्लिकेशन किया जाएगा तो उसमें जो है सेक्शन 25 में अपोज भी किया जा सकता है कि जो दूसरे के पास है उसमें अपोज कर देगा कि साहब नहीं साहब ये पहले से है या ये जो जो मैंने बताया उसके अंतर्गत आता है, इसलिए जो है वो नहीं। अब राइट एंड ड्यूटीज़ की जब बात करते हैं तो राइट जो मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग का जो है वो उसे राइट मिल जाएगा इन्वेंशन जो रखेगा, और सेक्शन 62 में राइट जो है वो लैप्स हो सकता है, और सेक्शन 63 में जो है वो सरेंडर कर सकता है। अब जो राइट क्या होता है, अब राइट टू इंस्टीट्यूट सूट, अगर मान लीजिए किसी ने भी उसके पेटेंट को यूज़ किया, उसके इन्वेंशन को यूज़ किया बिना उसकी परमिशन के, तो जो है वो जो है मुकदमा दायर कर सकता है, और पेटेंटी जिसे ट्रांसफ़र किया गया है वो जो है रिन्यूअल फीस जो है उसे देगा जिसके नाम पेटेंट है, और पेटेंटी शुड रिपोर्ट टू द कंट्रोलर द प्रोग्रेस ऑफ वर्किंग ऑफ द पेटेंट। तो जो है पेटेंटी जो है वो कंट्रोलर को भी इस बात की सूचित करेगा। अब अगर रिन्यूअल फेल हो जाता है, रिन्यूअल देने में फेल हो जाता है, तो जो है और जो है इसका एक्सटेंशन 6 महीने में उसे पे करके वो रिन्यूअल का ले सकता। अब इन्फ्रिंजमेंट अगर होगा पेटेंट एक्ट का सेक्शन 108 में, उसमें रेमेडी है। रेमेडी में क्या है, इंजंक्शन कर ले सकता है कि रोकने का अधिकार के साथ भाई यूज़ नहीं करेगा। दूसरा डैमेजेस नुकसान ले सकता है, अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट जो उसने प्रॉफिट कमाया उसका अकाउंट्स ले सकता है, और सीजर ऑफ इन्फ्रिंगिंग गुड्स मटेरियल इम्प्लीमेंट, यानी जो उसे यूज़ करके उसके पेटेंटेड राइट को यूज़ करके जो है गुड्स मटेरियल और इम्प्लीमेंट बनाए गए हैं उसे भी सीज करने करने के लिए मुकदमा कर सकता है। फोरफीचर
ऑफ जो है इन्फ्रिंगमेंट गुड्स कर सकता है, और डिस्ट्रक्शन मतलब उसे समाप्त नष्ट भी करवाने के लिए ऑर्डर करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम डिज़ाइन की। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन ये कॉपीराइट का राइट है कि रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट के आईपीआर का राइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। डिज़ाइन, अब डिज़ाइन है क्या? ए कस्टमर इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड इन हिज चॉइस ऑफ एन आर्टिकल नॉट ओनली बाय इट्स प्रैक्टिकल एफिशिएंसी बट आल्सो बाय अपीयरेंस। ए फिजिकल अपीयरेंस रियली मीन्स ए डिज़ाइन। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डिज़ाइन है। एज ए प्राइमरी पर्पज इज टू इंड्यूस द कस्टमर इन टू परचेजिंग द आर्टिकल ऑफ इट्स ऑर्नामेंटेशन। तो जो है ये डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन के लिए बाकायदा इसके इसमें ये डिज़ाइन की डेफिनेशन दी गई सोमसोनाइफ कॉरपोरेशन वर्सेस विजय सेल्स 1998 के केस। डिज़ाइन डज नॉट मीन्स द आर्टिकल, इट मीन्स फीचर्स विच फॉर्म ऑफ कंसेप्शन और आइडिया ऑफ ए शेप। अब मेन जो इसके किसी भी एक्ट में जो बाकी सब इंटरप्रिटेशन होते हैं अगर डेफिनेशन उसके उससे संबंधित एक्ट में होते हैं। तो डिज़ाइन एक्ट 2000 का है, उसमें सेक्शन 2D में इसकी डेफिनेशन है। उसमें क्या कहा गया कि डिज़ाइन मीन्स ओनली द फीचर ऑफ शेप कन्फिग्रेशन पैटर्न्स ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइन्स और कलर्स applied to any article whether in two dimensions or three dimensions or in both forms by any industrial process or means whether manual, mechanical or chemical separate or combined which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye but does not include। यहाँ तक तो ये इंक्लूसिव परिभाषा हो गई। अब ये बट डज नॉट क्या क्या नहीं होगा इसमें इंक्लूड एनी मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन और एनीथिंग विच इज इन सब्सटेंस ए मेयर मैकेनिकल डिवाइस एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क एज डिफाइंड इन सेक्शन ट्रेडमार्क एक्ट और प्रॉपर्टी मार्क्स एज डिफाइंड IPC एंड आर्टिकल वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। इसका मतलब ये जो कॉपीराइट एक्ट का मैटर है, जो IPC का जो है मैटर है, प्रॉपर्टी मार्क वाला, जो ट्रेडमार्क का मैटर है, वो कुछ इसमें नहीं आया डिज़ाइन वाले में। इसमें डिज़ाइन की बात होगी। तो डिज़ाइन में अब क्या हुआ शॉर्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले शेप कन्फिग्रेशन पैटर्न ऑर्नामेंट कंपोजिशन ऑफ लाइन्स और कंपोजिशन ऑफ कलर जो है डिज़ाइन में शामिल। क्या क्या शामिल नहीं होंगे? मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ए मेयर मैकेनिकल डिवाइस, ए ट्रेडमार्क, ए प्रॉपर्टी मार्क और एनी आर्टिस्टिक वर्क। तो अब हुए डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 3-10 तक है डिज़ाइन एक्ट में। इसमें कंट्रोलर को एप्लीकेशन देगा, जो है प्रोप्राइटर होगा वो न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन का, और वो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म में वो देगा और पर्टिकुलर ऑफ आर्टिकल बताएगा। पब्लिकेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड डिज़ाइन को जो है वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए उसे ओपन करेगा, और उसके बाद जो है उसके जो है ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, और सेक्शन 10 में एक पेटेंट ऑफिस में एक रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। नॉन रजिस्ट्रेबल डिज़ाइन भी सेक्शन 4 में होंगे, और उसमें जो है वो रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे। वे कौन कौन से? नॉट न्यू और ओरिजिनल, जो न्यू और ओरिजिनल नहीं है, हैज बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया, इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन डिज़ाइन, और कंप्राइजिंग और कंटेंस स्कैंडलस और एब्सेंस जो है मैटर, ये जो है रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे, ये नॉन रजिस्टरेबल डिज़ाइन। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की।
ट्रेडमार्क इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ ए बिजनेसमैन और ट्रेडर. इट इज प्रॉपर्टी एज दैट ए गुडविल एंड कैपेबल ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोटेक्टेबल. अब इसमें ए मार्क होना चाहिए और ट्रेड से संबंधित होना चाहिए. ट्रेडमार्क एक्ट जो है कि सेक्शन 2ZB ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का है, उसकी सेक्शन 2ZB में जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है. ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंड मे इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कम्बिनेशन और ऑफ कॉलम एंड. तो ट्रेडमार्क में क्या क्या शामिल है कि शेप ऑफ गुड्स होना चाहिए, पैकेजिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए और कम्बिनेशन ऑफ कलर जो है भी माना जाएगा इसे. सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने GYKG वर्सेस जॉन डिस्टिलरीज लिमिटेड के केस में इसे क्लियर कर दिया. तो ट्रेडमार्क में रिक्विजिशन आवश्यकताएं क्या हैं इसकी ट्रेडमार्क की. ए ट्रेडमार्क शुड बी इजी टू स्पीक एंड स्पेल. ए इट शुड बी स्मॉल सिंपल एंड कैपेबल ऑफ इंडिकेटिंग क्वालिटीज ऑफ मर्चेंटाइज. इट शुड बी डिस्टिंक्टिव ऑफ अदर ट्रेडमार्क्स. इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन. ए ट्रेडमार्क शुड बी ए डिवाइस, ब्रांड, लेबल, हेडिंग, टिकेट, नेम, सिग्नेचर और एन एब्रीविएशन और कम्बिनेशन ऑफ वर्क लेटर एंड नंबर. इट शुड बी यूज ऑफ प्रपोज टू बी यूज इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विस. गुड्स ऑफ सर्विस के यूज वाला होना चाहिए. द यूज ऑफ सच मार्क शुड बी ए प्रिंटेड और विजुअल रिप्रेजेंटेशन मार्क. विजुअल रिप्रेजेंटेशन मार्क होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए. यूजर मस्ट बी इन कनेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस विद प्रोप्राइटरी इंटीलेशन. उसके पहचान होनी चाहिए अलग से. अब फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का आइडेंटिफिकेशन पहचान हो जाती है. ब्रांड एश्योरेंस हो जाता है, ब्रांड के एश्योरेंस हो जाता है. एडवर्टीजमेंट में आसानी होती है. एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडमार्क में होते हैं. अब रजिस्टर्ड का इफेक्ट क्या होगा इसमें. रजिस्ट्रेशन आप करा लिया आपने तो सेक्शन 27 से 36 तक जो है इसमें मैटर है. अब अगर कोई इंफ्रिंगमेंट करेगा तो उसका डैमेज ले सकते हैं. एक्सक्लूसिवली उसे यूज़ कर सकते हैं. प्राइमा फेसी उसका एविडेंस माना जाएगा कि वो उसी का है. और प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन वो जो है दूसरा जो है उससे मिलता जुलता कोई रजिस्टर्ड नहीं करा सकेगा. ये जो है इसके. अब रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके इंफ्रिंगमेंट किया जा सकता है. अब जो है उसे इंफ्रिंगमेंट से रोका नहीं जा सकता है. रिकवर डैमेज रिकवर नहीं की जा सकती, जबकि इन सब मामलों में ये की जा सकती है जो है इसका इंफ्रिंगमेंट अगर किया जाता है. अब हम बात करते हैं कॉपीराइट की. कॉपीराइट इज ए क्रिएशन ऑफ स्टेट्यूट. इट इज़ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इट इज़ नेगेटिव राइट सिंस सच राइट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम कॉपिंग और रिप्रोड्यूसिंग ए वर्क. भाई ये नेगेटिव राइट है कि दूसरे को रोकता है कि भाई आप कॉपी नहीं करोगे, इसे रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, तो वो जो है हमारा कॉपी राइट है. अब कॉपी राइट में किन किन चीज़ों में कॉपी राइट हो सकता है. लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क में और म्यूजिकल वर्क में, आर्टिस्टिक वर्क में, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स में, कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में और साउंड रिकॉर्डिंग, इसमें जो है कॉपीराइट हो सकता है. अब कॉपीराइट एक्ट में जो है उसमें सबके राइट हैं. कॉपीराइट जो है लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क में क्या 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 होगा. ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क में उसमें यह है कि टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल फ्रॉम इंक्लूडिंग द स्टोरिंग और इट्स मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. लिटरेरी वर्क ड्रामेटिक वर्क में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. इशू कॉपीज कॉपी इशू नहीं करेंगे. परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक में परफॉर्म नहीं करेंगे उसको.
टू मेक ए सिनेमेटोग्राफ फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क, उसकी सिनेमेटोग्राफ फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे और एनी ट्रांसलेशन अडेप्शन भी उसका नहीं करेंगे बिना उसकी परमिशन के। कंप्यूटर प्रोग्राम में के संबंध में कोई काम नहीं करेंगे और सेल और गिव ऑन कॉमर्शियल रेंटल और ऑफर फॉर सेल और फॉर कॉमर्शियल रेंटल एनी कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, उसकी कोई कॉपी जो है कंप्यूटर प्रोग्राम की नहीं बनाने देंगे। ये जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम में हुआ। आर्टिस्टिक वर्क में उसे जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इशू कॉपी नहीं करेंगे और अब जो है वर्क सिनेमेटोग्राफ फिल्म जो है नहीं बनाएंगे और एडॉप्शन ऑफ द वर्क नहीं करेंगे। टू इन रिलेशन एडॉप्शन के संबंध में कोई और काम नहीं करेंगे। सिनेमेटोग्राफ फिल्म के में भी कॉपी नहीं बनाएंगे, सेल नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। साउंड रिकॉर्डिंग में भी साउंड रिकॉर्डिंग जो है नहीं जो है एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग इम्पोर्टिंग नहीं करेंगे और जो है सेल हायर वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन आइडिया का कॉपीराइट नहीं होता, ना कॉपीराइट, नो कॉपीराइट इन आइडिया। आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1978 में, कॉपीराइट सबसिस्ट ओनली इन ए मेटेरियल फॉर्म इन विच द आइडिया आर ट्रांसलेटेड, हाउएवर देयर इज नो कॉपीराइट इन आइडिया। किसी का आइडिया जो है, क्योंकि मेटेरियल फॉर्म में होना चाहिए, वो कॉपीराइट आइडिया कॉपीराइट नहीं हो सकता था, नहीं तो ये तो मेरा आइडिया था, ये कॉपीराइटेड होना चाहिए, वो कॉपीराइट नहीं हो सकता। अब प्रोटेक्शन क्या है? वेदर ए वर्क इज एंटाइटल्ड टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन देयर रिमेन्स थ्रू प्रैक्टिकल टेस्ट दैट व्हाट इज वर्थ कॉपीइंग इज प्राइमा फेसी वर्क प्रोटेक्टिंग। प्राइमा फेसी जो पुराना वाला वर्क है वो प्राइमा फेसी वर्क प्रोटेक्ट करने का जो है वो कॉपीराइट रहता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात आती है, भी रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट की जरूरत। इसमें रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 44 से सेक्शन 50 ए तक रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन है। इसी का रूल्स भी है 1958 का, उसके रूल 15 से 20 तक। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आप देंगे, उसमें जो है प्रेस्क्राइब फॉर्म में दी जाएगी। अगर जो है 30 दिन में ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है तो जो है उसमें ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो उसे रजिस्टर मान लिया जाएगा। अब रजिस्टर्ड में कॉपीराइट के रजिस्टर में जो है नेम एंड टाइटल ऑफ वर्क, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पब्लिशर्स एंड ऑनर्स ऑफ कॉपीराइट और सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये जो है कॉपीराइट रजिस्टर में होंगे। और इसका जो है इवेंट डेंटेरी वैल्यू होगी, जो है जो कॉपीराइट का रजिस्टर होगा उसको ये उसका प्रूफ माना जाएगा कि हाँ सर इस व्यक्ति का कॉपीराइट है। अब सवाल ये है कि क्या कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन एसेंशियल है, अनिवार्य है? तो इसका जवाब नो है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट हैज़ नॉट बीन मेड नेसेसरी अंडर द कॉपीराइट एक्ट। मोर सो द कॉपीराइट एग्जिस्ट वेदर द रजिस्ट्रेशन इज डन और नो। अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो भी उसका जो है कॉपीराइटेड रहता है और नहीं कराया जाए तो भी कॉपीराइटेड रहता है। ये रजिस्ट्रेशन इज मेयरली ए पीस ऑफ एविडेंस एज टू व्हेन ए सर्टेन ऑथर स्टार्टेड क्लेमिंग कॉपीराइट इन सम आर्टिस्टिक वर्क और अदर वर्क, तो जो है वो क्लेम करने के लिए एक आसानी के लिए जो है वो है, लेकिन कॉपीराइट उसका रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की नकल करो और कॉपीराइट रजिस्टर करा दो आपका कॉपीराइट हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। कॉपीराइट उसी का माना रहेगा जिसका है। इसी ग्राउंड पर रजिस्ट्रेशन भी आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपने धोखे से रजिस्ट्रेशन ऐसा कोई कराया है। इन्फ्रेगमेंट अगर करेंगे कॉपीराइट का तो सेक्शन 51 कहती है वायलेशन ऑफ कॉपीराइट में जो है
भाई उसे यूज़ नहीं कर सकता है, मतलब जो जो उस कॉपी 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 नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ नहीं कर सकता है। और जो है इसके अगेंस्ट रेमेडीज़ क्या क्या मिलेंगी आपको, रेमेडीज सिविल रेमेडीज़ है, एक तो कि वो उसके उसका कंपनसेशन ले सकता है, इंजंक्शन ले सकता है, अकाउंट ले सकता है और अदरवाइज ले सकता है। इसके साथ साथ इसके इसमें जो है क्रिमिनल रेमेडी और है, सेक्शन 63 में ऑफेंस है जो है कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन का जो है कि एनी पर्सन हु नोइंगली इंफ्रिंग्स और एबेट्स द इंफ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट इन ए वर्क और एनी अदर राइट कन्फर्म्ड इन सेक्शन पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, उसे जो है कोर्ट में केस भी चलेगा, उसका जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। और सीज क्रिमिनल कोर्ट ही सीजर और इंफ्रिंगमेंट कॉपीज के भी आर्डर दे सकते हैं, जो पुलिस ऑफिसर ही उसे सीज कर सकता है सेक्शन 65 में। अगर कंपनीज ऑफेंस करती हैं तो उसका जो हेड है वो जो है उसे का जो है वो माना जाएगा, उसका जो है अपराधी माना जाएगा। जो कॉग्निजेंस है इस ऑफेंस का वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की, इसके साइलेंट फीचर की बात करते हैं तो इसका जो साइलेंट फीचर हैं इसमें यह है कि रेगुलेट एसेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विद द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग इक्विटेबल शेयर इन बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो जो देश के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसे रेगुलेट करने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। दूसरा ये कि कंजर्व और सब्सटेंशली यूज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी प्रोटेक्ट करने के लिए और नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ की जो है बायोडाइवर्सिटी की उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सिक्योर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो लोकल पीपल को मिले उसका, इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ एरियाज़ को डेवलप करने के लिए क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, प्रोटेक्शन ऑन रिहेबिलिटीज ऑफ थ्रेटेंड स्पाइसेस जो हैं उनके जातियों के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन ब्रॉड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में एक स्कीम है कि इसमें स्कीम क्या है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो होगा वो बिना नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथॉरिटी के अनुमति के उसे यूज़ नहीं करेगा उसको। और अगर जो है देश वाला होगा उसे भी जो है स्टेट अथॉरिटी को जो है सूचित करना पड़ेगा कि इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एसेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एराइजिंग आउट ऑफ सच एसेस एंड यूज। फर्दर द एक्ट कवर्स फॉरेनर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन आइदर इनकॉर्पोरेट और नॉट इन इंडिया विद नॉन इंडियन पार्टिसिपेंट इन इट्स शेयर कैपिटल ऑफ और मैनेजमेंट, दीज इंडिविजुअल और एंटाइटल्स रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अगर वो यूज़ करेंगे जो भारत से बाहर वाले तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को जो है उसके जो है वो करेंगे। अप्रूवल लेंगे और जो है इंडियन के लिए उसे की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन स्टेट अथॉरिटी को वो फिर भी सूचित करेंगे।